नमस्कार दोस्तों, प्रभु श्री कृष्ण के गुणगान गाने वाले उनके जो भक्त हैं, तो उन बहुत सारे भक्तों में से एक भक्त रसखान जी, कौन थे? रसखान जी। उन्होंने लिखा हुआ पद्य रस की बूंदे, कौन सा पद्य? रस की बूंदे। रसखान जी ने लिखा हुआ पद्य रस की बूंदे, इस पद्य की आज हम जानकारी लेने वाले हैं। इस पद्य में रसखान जी हमेशा के लिए श्री कृष्ण के भक्त बनकर ब्रज भूमि में रहने की कामना रखते हैं, कामना करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं कि मैं हमेशा के लिए कहाँ रहना चाहता हूँ, ब्रज भूमि में रहकर श्री कृष्ण का सामीप्य पाना चाहता हूँ, श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहता हूँ, उनके लिए कार्य करना चाहता हूँ, हमेशा के लिए उनका भक्त बनकर रहना चाहता हूँ। यहां पर देखिए, इस पद्य में रसखान जी ने क्या लिखा है उसकी जानकारी अभी हम देखना शुरू करते हैं। ओके, देखिए, रसखान कृष्ण भक्त कवि हैं। वे जन्म जन्मांतर तक ब्रज भूमि में ही रहने की कामना करते हैं। वही रहकर वे अपने कार्यकलाप करना चाहते हैं, वे अपने कामकाज करना चाहते हैं। उनके इष्ट देव यानी श्री कृष्ण बड़े ही महिमावान और सरल है, ऐसे अनादि अखंड श्री कृष्ण की सभी देवता आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की आराधना सभी देवता करते हैं, सभी देव करते हैं। सबसे महान श्री कृष्ण को कहा गया है यहाँ पर। देखिए रसखान जी क्या बोलते हैं, वे श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इस पद्य में दिया गया है। देखिए, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल के गाँव के वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो आटव सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो, इन अखिन सो रसखानी कबो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटी कहू कलधौत के धाम करिल की पुंजन ऊपर वारो, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पची हारी पची हारे तौ पुनि पार न पावे, ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। देखिए यहाँ पर शब्दार्थ दिए हैं। इस पद्य को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगा होगा कि ये पद्य बहुत कठिन है। दोस्तों, इसके शब्दार्थ कठिन होने के कारण ये पद्य आपको कठिन लग रहा है, लेकिन सही रूप से देखा जाए तो ये पद्य बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसका जो भावार्थ है वो एकदम सरल है, आसान है। देखिए शब्दार्थ की ओर एक नजर डालते हैं। यहां पर ग्वारन, ग्वारन यानी ग्वाले, ग्वाले यानी मिल्कमैन, ग्वारे ग्वाले यानी कौन? मिल्कमैन। बंजारन, बंजारन यानी बीच में, धरयो धरा रखा, पुरंदर यानी इंद्र, कर यानी हाथ, कालिंदी यानी यमुना नदी, दारन यानी डालों पर, लकुटी लकुटी यानी छड़ी, कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोग, तजी यानी छोड़ना, तजी यानी छोड़ना, त्यागना, छोड़ना मतलब त्यागना, बिसारो बिसारो यानी भूल जाना, तड़ा यानी तालाब, कलधौत यानी सोना चांदी, वारो यानी न्योच्छावर करना, शेष शेष यानी शेषना, सुरेश यानी इंद्र। देखो पहली बार हमने देखा पुरंदर यानी इंद्र, सुरेश यानी भी क्या? इंद्र, सुख यानी सुखदेव, व्यास यानी महर्षि
वेद व्यास, ये शब्दार्थ है, मैंने आपको कल इसका पठन करने को बोला था। देखिए अब पहले सवयव में क्या लिखा है, देखिए मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल के गांव के ग्वार। यहां पर रसकान जी यही कामना रखते हैं, यह कामना रखते हैं कि मैंने अगला जन्म अगर मनुष्य का लिया तो मैं कहां रहना चाहता हूं, ब्रज भूमि में गोकुल में ही रहना चाहता हूं, ब्रज भूमि के गोकुल में ही रहना चाहता हूं। और वो किसके रूप में रहना चाहता हूं, ग्वारन के रूप में रहना चाहता हूं, ग्वाले के रूप में रहना चाहता हूं, यानी मिल्कमैन के रूप में रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने मनुष्य का जन्म लिया, अगर मैं ग्वाला बनकर यहां पर गोकुल में रहा तो मैं क्या करूंगा, श्री कृष्ण का सामीप्य पाऊंगा, मुझे श्री कृष्ण का सामीप्य मिलेगा, मैं श्री कृष्ण के साथ रहूंगा और हमेशा मैं श्री कृष्ण का दर्शन करता रहूंगा। मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन। तब आगे देखो, जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। रसकान जी बोल रहे हैं, अगर मैं पशु का भी मैंने जन्म लिया, अगर मैंने पशु का भी जन्म लिया तो मैं कहां रहूंगा, श्री कृष्ण की गाय जहां पर चरती हैं उनके बीच में मैं रहूंगा और वहां रहकर मैं क्या करूंगा, कृष्ण का दर्शन पाऊंगा, श्री कृष्ण को देख सकूंगा, वहां गायों के बीच में रहकर मैं श्री कृष्ण को देखता रहूंगा। पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। अगर अगला जन्म मैंने पत्थर का भी लिया तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत को पर्वत पर श्री कृष्ण हमेशा आते हैं और उसका स्पर्श गोवर्धन पर्वत को होता रहता है, इसलिए मैं पत्थर भी अगर बन गया तो गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहता हूं। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदंब की डारन। देखो रसकान जी बोल रहे हैं, अगर अगला जन्म मैंने खग का भी लिया, खग पक्षी भी अगर मैं बन गया तो मैं क्या करूंगा, कालिंदी यानी यमुना नदी मैं क्या करूंगा, जो यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उस कदम के पेड़ के डाल पर आकर बैठूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कौन आता है, कहा यमुना नदी में श्री कृष्ण आते हैं और वहां बैठकर मैं श्री कृष्ण को देख सकूंगा, उनका दर्शन कर सकूंगा। देखिए, मानुष हो तो वही रसकान बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। जो पशु हो तो कहां बसु मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदंब की डारन। रसकान जी बोल रहे हैं, अगर मैंने मनुष्य का भी जन्म लिया तो गोकुल का ग्वारन बनकर, मिल्कमैन बनकर, ग्वाले बनकर मैं वहां रहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, श्री कृष्ण का दर्शन पाना है, श्री कृष्ण का सामीप्य पाना है। अगर मैं पशु भी बन गया तो श्री कृष्ण की गायें जहां पर चरती हैं उनके बीच में मैं रहना चाहता हूं। अगर मैं पत्थर भी बन गया तो मैं गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं वह पत्थर बन, गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर मैं श्री कृष्ण का दर्शन ले सकता हूं। अगर मैं पक्षी भी बन गया, खग भी बन गया तो मैं क्या करूंगा, कालिंदी यानी जो यमुना नदी है, कालिंदी यानी जो यमुना नदी है उस यमुना नदी के तट पर जो कदम का पेड़ है उस कदम के पेड़ की डाल पर बैठकर मैं क्या करूंगा, श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। आगे देखो, या लगुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। देखो, अगर श्री कृष्ण के यहां रहकर अगर मुझे काम करना पड़ा तो वह काम मैं हंसते हंसते करने को तैयार हूं और उसके लिए मुझे कुछ अलग तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, पैसों की जरूरत नहीं है। या लगुटी अरु कामरिया पर,
एक लाठी और कंबल भी अगर मुझे मिला, एक लाठी एक छड़ी और कंबल भी अगर मुझे मिला तो भी काफी है। तिहुपुर तिहुपुर को तजी डारो, तीनों लोगों का जो राज्य है वह मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ एक छड़ी और यानी एक लाठी और एक कंबल अगर मिला तो भी काफी है। आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। आठों सिद्धि और नव निधियों का जो सुख है वह सुख मुझे नहीं चाहिए, श्री कृष्ण की गाय चराने की नौकरी अगर मुझे मिली तो वह नौकरी करते समय इन चीजों का जो लालच है वह लालच मैं नहीं रखूंगा। वो आठों सिद्धि और नव निधियों का जो सुख है, जो सब लोग जिसे अनुभवते हैं, उस प्रकार का सुख मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए एक लाठी और एक कंबल काफी है। तो ये जो सुख है उन यही सुख मेरे लिए काफी है। आठों सिद्धि और नव निधियों का सुख मुझे नहीं चाहिए, उसे मैं भूलने को तैयार हूँ, भूल जाने को तैयार हूँ। आठों सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। नंद बाबा की गाय चराने की अगर मुझे नौकरी मिली तो मैं ये सब कुछ सुख धन दौलत सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूँ, भूलने को तैयार हूँ। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे क्या रहेगा, नंद बाबा के पास रहना मैं पसंद करूंगा, श्री कृष्ण को निहारना पसंद करूंगा, श्री कृष्ण का सामीप्य पाना मैं पसंद करूंगा। देखिए, इन आखिन सो रस खाने कबो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। और अगर मैंने नंद बाबा की गाय चराने, जब मैं नंद बाबा की गाय चराने जाऊंगा, हाँ, और अगर मनुष्य बनकर ही मैं वहां पर रहूंगा तब क्या मैं करूंगा, तब मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रज के वन बाग तड़ाक सब मैं निहार सकता हूँ, सब देख सकता हूँ। ब्रज के जो वन, जो वन है, जो बाग है, बगीचा है, तालाब है, तड़ाक यानी तालाब, उस सबका मैं दर्शन ले सकता हूँ। उस सौंदर्य को, उस सुंदरता को मैं मेरे आंखों से देख सकता हूँ और ये मेरे लिए काफी है, मुझे भी यही चाहिए। कौन बोल रहे हैं, रसकान जी बोल रहे हैं। कोटि कहो कल धौत के धाम, करिल की कुंजन ऊपर वार। देखो, कोटि कोटि यानी करोड़ों, कोटि कहो कल धौत, कल धौत यानी सोने चांदी, ये अगर काम मुझे मिला, नंद बाबा की गाय चराने का काम अगर मुझे मिला, ब्रजभूमि के वन बाग तड़ाक अगर निहारने को मुझे मिला तो ये जो बाकी का सब है, कोटि कहु कल धौत के धाम मतलब करोड़ों रुपयों के सोने चांदी के जो महल है, वो सोने चांदी के महलों से ज्यादा मैं किसे पसंद करूंगा, करिल की कुंजन ऊपर वारो। करिल की कुंजन, करिल करिल यानी कांटेदार, कांटेदार झाड़ी, कांटेदार झाड़ी मुझे इससे भी कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी। मुझे अगर कांटेरी झाड़ी में भी अगर सोना पड़ा तो भी मैं रहना पड़ा तो भी मैं रहने के लिए तैयार हूँ। किससे बदले, सोने चांदी के करोड़ों रुपयों के महालों के बदले मैं कांटेदार झाड़ी में भी रहने के लिए तैयार हूँ। कौन बोल रहे हैं, रसकान जी बोल रहे हैं। देखो, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आटो सिद्धि नव निधि को सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। एक लाठी और कंबल उनके लिए काफी है, वे बोल रहे तिहुपुर का राज्य मुझे नहीं चाहिए, वो सब मैं छोड़ने को तैयार हूँ, आटो सिद्धि नव निधियों का जो सुख है वो सुख मुझे नहीं चाहिए, वो सब मैं भूल जाऊंगा। कब, जब मुझे नंद बाबा की गाय चराने का काम मिलेगा तब। इन आखिन सो रस खाने कब, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। अगर वह काम मुझे मिला तो ये ब्रज का जो सौंदर्य है उस सौंदर्य को मैं मेरे आंखों से देख सकता हूँ, उसका सामीप्य लेना चाहता हूँ। इसीलिए कोटि कहु कल धौत के धाम, सोने चांदी के जो करोड़ों करोड़ों रुपयों के जो महल है
वह महल मैं न्यौछावर करने को तैयार हूँ, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उसके बदले अगर मुझे कांटेदार झाड़ी में भी रहना पड़ा तो भी मैं तैयार हूँ। कौन बोल रहे हैं? रसखान जी बोल रहे हैं। देखिए श्री कृष्ण के प्रति कितनी भक्ति, कितनी आराधना रखते थे रसखान जी। हमारे भी घर में भगवान है, ईश्वर है, हाँ या ना? हम ईश्वर की भक्ति कितने समय तक करते हैं, कब करते हैं, करते या नहीं करते हैं, इसके बारे में दोस्तों हमें भी सोचना चाहिए। हमें भी ईश्वर की हमेशा क्या करनी चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। देखिए आगे देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश सूर्य सहु जाहि निरंतर ध्यावे। सभी देवता श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। यहाँ पर शेष यानी कौन? शेषनाग। शेष यानी शेषनाग, सूर्य सहु यानी इंद्र, सुख यानी सुखदेव, व्यास यानी महर्षि वेद व्यास। देखिये शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशव जाहि निरंतर ध्यावे। ये सब जो देवता हैं, ये सब देवता किसकी आराधना करते हैं? श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। देखो अछेद, अछेद यानी जिसे जिसका छेद कोई भी नहीं जान सकता, कोई भी नहीं छेद कर सकता, ऐसे वे अखंड है, वे निरंतर है। कौन? श्री कृष्ण, जिसकी सभी देवता आराधना करते हैं। वे अछेद है, मतलब उनको छेदा नहीं जा सकता, उनको भेदा नहीं जा सकता। वे सुभेद है, सुभेद यानी सब कुछ जानने वाले। यह जो सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि पर, इस संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसके जानकार है कौन? श्री कृष्ण है। जो हो रहा है वह उनकी ही अनुमति से हो रहा है। वे सब देख रहे हैं कि इस पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है, इस संसार में क्या क्या हो रहा है, इस सबके वे जानकार है, वे जानते हैं, मतलब सुभेद। जिनको छेदा नहीं जा सकता, जो सब कुछ जानते हैं, उनकी आराधना कौन करते हैं? सभी देवता करते हैं। कौन करते हैं? सभी देवता करते हैं। नारद से सुख व्यास रटे पची हारी तव पुनि पार न पावे। नारद, नारद सुख व्यास, सुख यानी सुखदेव, सुखदेव व्यास यानी महर्षि वेद व्यास, वे सभी क्या करते हैं? उनकी आराधना करते हैं। उनका पची हारे तो पुनि पार न पावे, उनका अंत क्या है जो किसी को भी पता नहीं है। नारद से लेकर सुखदेव व्यास तक कोई भी उनका अंत नहीं जान सकते। ऐसे कौन है? अखंड है, निरंतर है। कौन? श्री कृष्ण। निरंतर है, वे हमेशा के लिए बने हुए हैं। देखिए नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तो पुनि पार न पावे, जो कोई भी उनका अंत नहीं देख सकते, अंत नहीं पा सकते। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। उस अखंड अनंत चिरकाल तक रहने वाले श्री कृष्ण को जो अहिर की कन्याएं हैं, छोहरिया यानी कन्याएं हैं, वे क्या करती है? छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। छाछ के लिए वह क्या करती है? श्री कृष्ण को अपने पीछे पीछे नचाती है। कौन? अहिर की कन्याएं। किसके लिए? छाछ के लिए। छाछ यानी, छाछ यानी क्या पता है ना सभी को? हाँ, मट्टा। छाछ यानी मट्टा। उस छाछ के लिए वह अहिर की कन्या, जो कन्याएं हैं, वे क्या करती है? श्री कृष्ण को अपने पीछे पीछे नचाती है। देखो वे इतने सरल है। कौन? श्री कृष्ण सरल है, सादे हैं, भोले भाले हैं। वे क्या करते हैं? छाछ के लिए जो अहिर की कन्याएं हैं उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारा पद्य है ये पद्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। कौन सा पद्य? रस की बूंदे। धन्यवाद।